किसान फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कैंप लगाकर किसानों को फसल बीमा योजना में लाभ दिए जाने सहित नए किसानों को इससे जुड़ने, किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर किसानों की फसलों का बीमा सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी किसान योजना से वंचित न रह जाए और सभी किसानों का फसल बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसमें इसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक बुलाई गई है जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय डीएम सर करेंगे। इसमें शासन द्वारा दिनांक 27/6/2019 को एसएल भी मौजूद थे, उस पर विशेष विचार करने के लिए डीएम सर से अनुरोध किया गया है। तो ये मान के चलिए कि उनका कहना था 1,00,000+ पर डिस्ट्रिक्ट को बजट जो है दिया गया है। इसके लिए स्पेशल कैंप लगा करके जिसके लिए दिन उन्होंने निर्धारित किया, मंगलवार और बृहस्पतिवार किया, दो दिन वीक में किया, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक कैंप लगा करके जिसमें हमारे गवर्नमेंट पार्टी एमपी एमएलए भी आ सकते हैं, उनका कहना था। यहाँ भी कैंप लगेंगे, हर फर्स्ट डे रिपोर्टिंग मस्ट है, रिपोर्टिंग एकदम मस्त है, शाम तक रिपोर्टिंग, मतलब एडवांस करने में कोई विशेष खास दिक्कत नहीं है। इस पर कैंप कहाँ लगा रहे हैं दीदी सर, क्या प्लान? कैंप तो बैंक शाखाओं पे बैंक ब्रांच में लगेगा। पिछली बार सर गांव में लगा था, गाँव में बैंक में भेज रहे हैं क्या? ठीक है ना, आपका जो जो चीज़ है केसीसी के लिए क्या क्या बेसिकली होता है, आपका जो खतौनी है चाहिए और उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहते हैं? बैंक अकाउंट हो गया है, होनी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और एनीथिंग के इसी का फिर क्या पहले से ही अकाउंट होता है? और ये सर्विस एरिया कॉन्सेप्ट है क्या इस पर? नहीं, सर्विस एरिया कॉन्सेप्ट है सब कुछ ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है, वो जा करके तो पूर्वांचल बैंक में खोलना चाहता तो हो जाएगा? वहाँ का कस्टमर होना चाहिए, मान लीजिए किसी के खेती बाड़ी मान लीजिए जो अजनी में है, मान लीजिए कहीं दूसरे जगह यानी सदर में खोलना चाहता तो हो सकता है? आप के सी सी के लिए क्या क्या चीज लेते हो? दूसरे बैंक में नोट यूज सर्टिफिकेट कहाँ नहीं लेना है? लाना है उसी के लिए तो बहुत मेजर जो है ये हम लोग का जो अभियान है उस पर बहुत मदद मिलेगी। दूसरा ऐसे ही सटा हुआ चीज है, इससे इसका वो है क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में था, पिछले बार भी चर्चा किया था हमने, ताकि जुलाई तक ही शायद हम बोले जुलाई तक ही 31 लाख का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो लोग नए नए भी हो रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है उसमें। जो किसान को भी समझाने की बात है, विकास क्या होता है तो केसीसी का ज़्यादा लोन लेने के चक्कर पे जो मान लीजिए जो आपने वो हो सकता है गेहूँ चावल होगा जो उनका खेती बाड़ी बट वो दिखाता है, उनका आलू जो चीज़ है कमर्शियल क्रॉप दिखाता है लोन के चक्कर पर, इनकेस ऑफ ताकि ये फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है हो सकता है इस पर इस साल में कुछ अफेक्ट हो सकता है तो उतना होने की वजह उनको कवर नहीं हो पाता है या नहीं होती है, उसका कवरेज बहुत ही कम है, बहुत ही खराब है, ताकि उसका अवैध नहीं होना है। वो लो लाइंग एरिया है, उसके लिस्ट डी डी साहब के पास भी है, पिछले बार हम लोग मीटिंग में सर्कुलेट भी किया, वहाँ कितने ब्रांचेस है उस पर आप लोग हम लोग इस बार तो आकर स्पेशल अभियान चलाएँ। नॉन लोनी फार्मर्स है, तीन कैटेगरी उस पर कवर्ड है, इंडिविजुअल क्रॉप फार्मर्स है वो भी उसके क्लेम ले सकते हैं, केसीसी की जरूरत नहीं, स्टैंड अलोन जो नॉन लोनी वाले वो भी ले सकते हैं।
उस पर आप 200 गांव को आप कवर कर लें, उससे बहुत राहत मिलेगा। एक बार वो लूप में आ जाएगा तो फिर लगातार उनको बेनिफिट मिलेगा, फिर लगातार वो आपका प्रीमियम भी जमा करेगा। तो केसीसी का हक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी वो 200 गांव कवर करना होगा। 200 गांव में डीडी सब आप सर्कुलेट कर रहे हैं सबके लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी नया आया है।